तो आज जानते हैं स्पाइडरमैन की वर्स्ट टू बेस्ट मूवीज। नंबर 9 पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। अब इसके इतना नीचे होने का कारण है एंड्रयू गारफील्ड और एमा स्टोन के बीच की केमिस्ट्री। नंबर 8 पर है स्पाइडरमैन 3। अगर आपने सैम रेमी की पहली दोनों स्पाइडरमैन मूवी देखी है तो ये उनके कंपेयर में आपको बहुत डिसअपॉइंट करेगी। नंबर 7 पर है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये मूवी तो अच्छी थी पर इसकी सीजीआई कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट एंड्रयू गारफील्ड की एक्टिंग ने इसे बचा लिया। नंबर 6 स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। एंडगेम में अपनी इतनी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस देने के बाद पीटर अब बिना टोनी स्टार्क के कैसे मिस्टीरियस से लड़ता है वो दिखाया गया है। नंबर 5 स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स। ये एक अच्छी मूवी है जिसमें हमें स्पाइडरमैन के अलग अलग वर्जन दिखाए गए हैं। नंबर 4 स्पाइडरमैन होमकमिंग। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वार के बाद ये एमसीयू में स्पाइडरमैन की पहली सोलो मूवी थी। नंबर 3 पर है स्पाइडरमैन 2। सैम रेमी की डायरेक्शन और टोबी मैकग्वायर की कमाल की एक्टिंग ने इसे इतनी अच्छी मूवी बनाया। नंबर 2 स्पाइडरमैन नो वे होम। अब इसके बारे में क्या ही कहना, इतने सारे विलन और 3 स्पाइडरमैन दिखाकर मार्वल ने इसे इतनी अच्छी मूवी बना दिया। नंबर 1 पर है नो डाउट स्पाइडरमैन 1। स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की सबसे ज्यादा एंजॉयबल मूवी है और विलियम डेफी की ग्रीन गोब्लिन के रूप में की हुई एक्टिंग ने तो सबका दिल ही जीत लिया।